हाय गाइस, वेलकम टू पीके गेमिंग। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको जो GTA 5 गेम है वो स्टार्ट नहीं होता, तो आप उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस, क्या होता है, अपने GTA 5 में मॉडिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद हम जब GTA 5 को प्ले करते हैं तो हमारा जो GTA 5 है वो स्टार्ट नहीं होता लोडिंग होके। फ्रेंड्स, हमारा जो GTA 5 है वो स्टार्ट नहीं होता, तो गैस बैकग्राउंड में भी वो स्टार्ट नहीं होता और गैस कुछ भी कर लो आप वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तो आप उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गैस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो गैस इसके लिए हमें एक फाइल चाहिए होगी, GTA 5 नॉट ओपनिंग फिक्स। तो सिंपली गैस आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ 19 फाइल्स मिलेंगी आप लोगों को, तो कैसे इन सब फाइल्स को आपने कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अपने GTA 5 की फाइल लोकेशन को तो कैसे कॉपी करने के बाद अपने GTA 5 की फाइल लोकेशन को ओपन करेंगे। फाइल लोकेशन ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने इन सब फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आपने इसे रिप्लेस कर देना है। तो कैसे ये रिप्लेस करने के बाद हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं जिसमें, और कैसे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने मोड्स के फोल्डर को डिलीट कर देना है। तो सिंपली गाइस आपने इसे डिलीट कर देना है या आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। तो गाइस मोड्स डिसेबल, तो इस तरह से गाइस आप इसे कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस अगर आपने स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में कोई मोड इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसे भी डिलीट कर दें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ मोड्स इंस्टॉल किए हैं, तो गाइस मैं इस स्क्रिप्ट्स के फोल्डर को भी डिलीट कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद से सारे फोल्डर्स डिलीट या डिसेबल करने के बाद आपने सिंपली अपने GTA 5 को लॉन्च GTA 5 से स्टार्ट करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास प्ले GTA 5 है, तो गाइस प्ले GTA 5 भी हो सकता है और GTA 5 लॉन्चर भी हो सकता है, तो आपने इनसे स्टार्ट करना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम इसे, तो एडमिनिस्ट्रेटर पे स्टार्ट करेंगे। यस तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स हमारे जो GTA 5 की नॉट ओपनिंग का था गाइस वो भी फिक्स हो चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस अगर इसके अलावा आपके गेम में कोई और एरर आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर गाइस आपको ये एरर फिक्स करने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो गाइस आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको फिक्स करने के लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर गाइस आप मोडिंग की वीडियोज़ चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें गाइस बहुत सारे मोड्स आ जाते हैं, कार मोड्स और इसके अलावा फ्रेंड्स मैप मोड और बहुत सारे स्क्रिप्ट के मोड हैं जो आप लोग फ्रेंड्स अगर कमेंट करते हो तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस बस यहीं पर एंड करते हैं आज के एपिसोड को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। और अगर पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।